हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दो शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी उनके ऊपर वीडियो भी बना रखी है और आज कुछ ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से उन शेयरों में उछाल भी है। तो आइए उन वीडियो की तरफ उन शेयर्स की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको बेहतरीन वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड मिलती रहे। तो आइए सीधे शेयर की तरफ चलते हैं। तो पहला शेयर है जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी। ओके, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का आज का परफॉर्मेंस देख लीजिए। लगभग 7.45% की जंप देखी गई है। लगभग 664 रुपये यहाँ पर यह जंप हुई है। ये 8920 पे कल क्लोज हुआ था और 9585 पे आज क्लोज हुआ है। तो दो दिन ये न्यूज़ कल ही आ गई थी। ओके, दिस इज़ द रीज़न कि ये शेयर लगभग 8000 रुपये से दो दिन के अंदर अंदर ये इस तरीके 2 सितंबर मतलब 2 सितंबर को 8000 रुपये पे चल रहा था और आज की डेट में देख लीजिए लगभग 18.47% की जंप अच्छी खासी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है। ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तब इसका प्राइस लगभग देख लीजिए। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन इन हिंदी, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार, यहाँ पर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा था और शेयर की कीमत उस टाइम लगभग 8600 रुपये थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन शेयर है। ओके, और आज इसमें आज भी लगभग 664 पॉइंट्स की जंप देखी गई है। ओके, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, 8% की जंप। तो न्यूज़ क्या है, आइए इसके ऊपर चल लेते हैं। तो सिंपल बताना चाहता हूँ, देखिए बिग बूस्ट टू एप्पल, सैमसंग, लावा एंड अदर्स एज गवर्नमेंट ओके 100 बिलियन मोबाइल एक्सपोर्ट प्लान्स अंडर PLI स्कीम। तो अब डिजिटल इंडिया की तरफ भारत बढ़ते जा रहा है, आत्मनिर्भर की तरफ भारत बढ़ते जा रहा है। इस वजह से जो PLI स्कीम के अंडर में ओके, तो यहाँ पर ये जो बड़ी ये कुछ कंपनीज हैं ओके, एप्पल और सैमसंग ओके, इन्होंने 50-50 बिलियन डॉलर का ईच अपने 5 साल का टारगेट बना रखा है कितना मोबाइल इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, और इसके लिए गवर्नमेंट ने इन्हें इजाज़त भी दे दी है ओके 100 बिलियन डॉलर की। तो क्या है पूरा माजरा देख लेते हैं। एप्पल एंड सैमसंग प्लान्स टू मेक स्मार्टफोन वर्थ ₹15 बिलियन ईच, तो मतलब $50 बिलियन के मोबाइल ओके, वो खुद इंडिविजुअली $50 बिलियन सैमसंग, $50 बिलियन एप्पल ओके इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले पाँच साल में ये बनाने जा रहे हैं ओके, इनका ये प्लान है। फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ द PLI स्कीम, एप्पल्स कॉन्ट्रैक्ट असेंबलर्स स्टार्टेड प्रोडक्शन आईफोन 11 एंड आईफोन SE इन इंडिया। ओके, तो एप्पल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट्स का है ओके, और जो असेंबलर्स होते हैं ओके, ऑलरेडी इसका प्रोडक्शन आईफोन 11 और आईफोन SE का इंडिया में ऑलरेडी हो ही रहा है, जैसे कि आपको पता ही है, काफ़ी सस्ता भी फ़ोन मिल रहा है। तो देख लीजिए, इन एन अर्नेस्ट अटैम्प्ट टू बूस्ट आत्मनिर्भर भारत ओके, गवर्नमेंट कमिटी हैज़ अप्रूव्ड 100 बिलियन ओके 100 बिलियन मोबाइल एक्सपोर्ट प्रपोजल फ्रॉम एप्पल्स लार्जेस्ट आईफोन असेंबलर फॉक्सकॉन, पैगाट्रॉन एंड विस्टोन, एज वेल एज सैमसंग, कार्बन, लावा एंड डिक्सन। तो आपको जैसे कि डिक्सन के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता रखा है, यहाँ देख लीजिएगा इस वीडियो को ओके, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज क्या करती है सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि ये डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या करते हैं। हम डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग में भी ये काम करती है ओके, ये इस और इसमें जैसे कि आपको पता ही है कि हम चाइना से अपना ट्रेड धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो सीधा फ़ायदा इन कंपनियों को मिलने वाला है ओके। और डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो कि पिछले 25 साल से कारोबार कर रही है, और पिछले 2 साल से अगर इसका रिजल्ट देखेंगे ओके, जब से ये लिस्ट हुई है 2 या 3 साल पहले से, तो काफ़ी बेहतरीन इसने परफॉर्मेंस दिया है और अब ये कंपनी भागे जा रही है। तो इसी रीज़न है कि मैंने ये वीडियो पहले भी बनाया था, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया था, और अभी जो ये न्यूज़ कल की डेट में आई थी ओके, उस वजह से ये शेयर बहुत तेज बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस एक बार, मैक्सिमम परफॉर्मेंस देख लेते हैं, तो ये शेयर 2600 रुपये पे 2017 में मतलब 3 साल पहले हुआ करता था, और किस तरीके से इसने जंप मारी है तो आप देख सकते हैं। अगर 1 साल का भी पूरा देख लेते हैं तो देखिएगा 388% तक का प्रॉफिट इसने दिया है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, इसकी तरफ आप नज़र बना के रखिए, एज वेल एज जैसे कि इंडिया आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है तो इसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और सैमसंग और एप्पल जैसे जो जाइंट जो ग्लोबल मार्केट में है
जिनके फ़ोन पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं, तो 150 बिलियन डॉलर का अगले 5 साल का इनका प्लान है कि 50 बिलियन डॉलर का फ़ोन ये बना के बाहर के देश में ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि ये जो अपना शेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करता है, ओके, जो चाइना से हम लोग ट्रेड कम कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट सीधे के सीधे डिक्सन टेक्नोलॉजी को होने वाला है। तो इसलिए इस शेयर में आज की भी जंप देखी गई, कल भी जंप देखी गई, और काफ़ी अच्छा ये शेयर जब से लिस्ट हुआ है तब से बेहतरीन चल भी रहा है। तो इसकी तरफ नज़र बना के रखिए। अभी शायद थोड़ा ओवरबोर्ड जोन में चल रहा है, बट अगर लॉन्ग टर्म का प्लान है तो काफ़ी अच्छा शेयर है, आप इसे ले सकते हैं, ओके। अदरवाइज़ थोड़ा दिन का वेट करिए तो शायद ही आपको और सस्ते दाम में भी मिल सकता है। न्यूज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, आज का परफॉर्मेंस देख लेते तो आज ही 52 वीक हाई इसने लगाया है और लगभग 36.11% की डिलीवरीज आज की डेट में उठाई गई है। एक बार बैलेंस शीट की बात कर लेते तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स इसके पास लगभग 502.59 करोड़ रुपीज़ के इसके बाद रिजर्व्स है, और बोरिंग देख लेते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग लगभग 10 करोड़ रुपीज़ की है और शॉर्ट टर्म बोरिंग लगभग 63 करोड़ रुपीज़ की है। तो अगर मिला के चले तो लगभग 73 करोड़ रुपीज़ का इनका पास बोरिंग है, मतलब कर्ज है, लोन है जिसे कह सकते हैं। और कैश एंड बैंक बैलेंस की बात की जाए तो लगभग 98 करोड़ रुपीज़ के इनके पास कैश एंड बैंक बैलेंस भी है। तो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन ये कंपनी नज़र आती है, तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा, ओके। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस भी कर रखा है, तो इस वीडियो को भी जाके देख लीजिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन इन हिंदी, ओके, बाय बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार। तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। क्या रीज़न है ये भी बता दिया इसके भागने के पीछे। इसके अलावा हम एक दूसरे शेयर के बारे में आ जाते हैं, सबका चहेता रिलायंस, ओके, और इंडिया का मार्केट कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ा शेयर भी है। तो इससे रिलेटेड दो तीन न्यूज़ आ रही है तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इनसाइड रिलायंस जियो गेम प्लान फॉर 5G, तो आपको बताना चाहता हूँ कि रिलायंस 5G के लिए तैयार हो चुका है। अभी तक हम 4G यूज़ कर रहे हैं, पहले 2G यूज़ करते थे, फिर 3G आया, 4G आया, अभी रिलायंस की वजह से 4G आपको सस्ते में मिल रहा है। तो अब रिलायंस के जो अभी बताया नहीं है बट रिपोर्ट के हिसाब से आ रहा है कि हाँ, तो 5G लॉन्च करने की प्लानिंग में है, जैसे जैसे बहुत जल्दी 1 से 2 साल में के अंदर अंदर, या फिर बहुत जल्दी आपको, ओके, कभी भी 5G इंडिया का आपको दिख जाएगा, और वो पूरा का पूरा इंडिया में ही बनेगा, ओके, किसी चाइनीज़ या फिर किसी बाहर की कंट्रीज से रिलेशन कुछ नहीं होगा, इंडिया का होगा, ओके, और रिलायंस के द्वारा खुद ही बनाया जाएगा, जो भी इक्विपमेंट एवरीथिंग वुड बी फ्रॉम इंडिया। तो काफ़ी अच्छा इस इनका प्लान है, और जैसे ही अगर ये लॉन्च हुआ तो रिलायंस के शेयर में आपको एक अच्छी ही जंप दिखाई देगी। इसके अलावा इनका, जैसे कि आपको पता है, रिटेल का बिजनेस भी है, ओके, तो आपको देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री टैप्स फेसबुक के KKR फॉर इन्वेस्टमेंट इन रिटेल बिज। तो आपको बताना चाहता हूँ कि फेसबुक और काफ़ी सारी 13 और 14 कंपनीज ने मिलके रिलायंस के जियो में इन्वेस्ट किया था लगभग $20 बिलियन, ओके। इसी तरीके से दे आर नाउ प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन रिलायंस रिटेल बिजनेस। तो रिलायंस का जो रिटेल बिजनेस है उसमें ये इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, फेसबुक के KKR, और इसके अलावा एक और कंपनी है, आर्टिकल एक बार आप अंदर जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये और भी बहुत सारी कंपनी है जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है, दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन रिटेल बिजनेस। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जियो मार्ट अभी आया है, ओके, और इंडिया जब ये रिलायंस कुछ कैप्चर करता है तो पूरे इंडिया को कैप्चर कर देता है, जैसे कि जियो में किया था, ओके, लगभग 40 करोड़ कस्टमर इनके जियो के हैं, और इसी तरीके से इनका प्लान रिटेल के बिजनेस में भी है। तो शायद अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट की खबर आती है, ओके, या 5G की खबर आती है, तो शेयर में काफ़ी अच्छा उछाल आप देख सकते हैं, ओके, लगभग लगभग 4 महीने में इसने 150% तक के रिटर्न भी दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ये न्यूज़ तीसरी न्यूज़ ये थी कि रिलायंस इंडस्ट्री अनवेल डिटेल्स ऑफ O2C बिजनेस स्पिन ऑफ प्लान। सो इनका O2C का मतलब है ऑयल टू केमिकल। तो ऑयल टू केमिकल जो इनका बिजनेस है, क्योंकि जब रिलायंस में रिटेल आता है, जियो आता है, एंड थर्ड जो बिजनेस आता है O2C, जो इनका पुराना बिजनेस है वो भी आता है, तो दे आर प्लानिंग टू स्पिन ऑफ द प्लान। तो मतलब ये यहाँ इससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरीके से करेंगे ये पता नहीं है, बट ये स्पिन ऑफ प्लान्स के से रिलेटेड इनकी ये O2C में यहाँ पर बातें चल रही है।
तो कुछ ऐसी ये दो तीन बड़ी न्यूज़ थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, इसकी तरफ भी नज़र बना के रखिए, पोर्टफोलियो में ऐड करिए, वॉच लिस्ट में ऐड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, चाहे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, और थोड़ा सा टर्म टाइम दे तो शायद ये और नीचे लेवल पर मिल जाए तो आप उसे उठा के लॉन्ग टर्म के व्यू से अपना रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा शेयर नज़र आता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि इस तरीके की बेहतरीन अपडेट्स और वीडियो शेयर बाजार से रिलेटेड आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।